Good morning, dear students. You know that multiples and factors is going on. Now, students, listen to me very carefully. You know that multiples and factors chapter is totally dependent on tables. Understood? So, if you know the tables, then you will be able to do this chapter softly. Now, students, you can see here today we are going to start. कॉमन मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स यू नो द मीनिंग ऑफ कॉमन यानि कि कोई दो चीज़ सेम दिखती है सेम होती है वो हम उसको कॉमन बोलते हैं यहाँ पर टेबल में ऐसा हमें करना है वो भी मल्टीपल्स से यू कैन सी हीयर फर्स्ट वन हम क्वेश्चन एक लेते हैं फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ थ्री एंड फोर यानि कि थ्री एंड फोर के जो मल्टीपल्स है उसके फर्स्ट टू कॉमन लेने हैं मल्टीपल्स यानी कि मल्टीपल्स आपको पता है मल्टीपल्स ऑफ थ्री यानी टेबल ऑफ थ्री यहाँ पे हम टेन तक लिया है टेबल यानी डायरेक्ट लिया है थ्री वन जो थ्री थ्री टू जो सिक्स थ्री थ्री जो नाइन थ्री फोर जो ट्वेल्व लाइक दिस ओके और फोर का सेम इज मल्टीपल्स ऑफ फोर आर यानी कि टेबल ऑफ फोर यू कैन सी हियर ओके नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स यानी कि शुरुआत से हम जाएंगे थ्री वन थ्री और फोर वन फोर से तो उसमें से जो सेम नंबर आता है कॉमन नंबर आता है वो दोनों का मिला के कॉमन मल्टीपल होगा यहाँ पे हम देख सकते हैं थ्री के टेबल में ट्वेल्व और फोर के टेबल में भी ट्वेल्व है यानी कि थ्री फोर जॉ और फोर थ्री ज़ा और थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा ट्वेंटी फोर थ्री एट जा ट्वेंटी फोर और फोर सेवन जा वेरी गुड फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर हाँ सो so स्टूडेंट अभी मैं बोल रहा हूँ मैं अभी दो जैसे ही टेबल में मिस्टेक किया आप थोड़ा बी केयरफुल रहना टेबल में थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ एक भी नंबर इधर उधर हो गया तो वो आंसर गलत हो सकता है टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो यू कैन सी हियर थ्री फोर जा ट्वेल्व एंड क्या आया थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर ये दो है तो ऐसा ही ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फोर फोर के टेबल में भी है फोर थ्री जा ट्वेल्व And four सिक्स आर ट्वेंटी So that's why, yes. First two common multiples of ऑफ and एंड are आर and एंड ट्वेंटी फोर ठीक है लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ पूछा जाए एल सी एम मैं पहले आपको मीनिंग बता देता हूँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट दैट मीन यू कैन से दैट लोएस्ट ओके okay, यानी कि सब में से अलग से ढूंढा हुआ यहाँ पे व्हाट इज द एलसीएम ऑफ थ्री एंड फोर आप देख सकते हो फर्स्ट वाला जो कॉमन आता है थ्री और फोर के टेबल से वो उसका एलसीएम हुआ यहाँ पे कौन सा एलसीएम है यस द एलसीएम ऑफ थ्री एंड फोर इज ट्वेल्व ठीक है स्टूडेंट्स सो टाइम फॉर होमवर्क वी कैन सी हियर आपका होमवर्क क्या है वो आप देख लो या एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन टेक्स बुक स्टूडेंट्स बी केयरफुल आज जो मैं होमवर्क देने जा रहा हूं उसमें टेक्स्ट बुक में भी है और फेर नोटबुक में भी लिखना है टेक्स बुक में ये जो क्वेश्चन नंबर वन है उसमें प्रिंट किया हुआ है उसमें से क्रॉस और सर्कल करने हैं और उसके नीचे जस्ट क्वेश्चन दिया गया है आ, फाइन कॉमन मल्टीपल का है एंड एल का है तो वो आपको फेयर नोटबुक में लिखना है यानी कि आज आप मुझे भेजोगे तो दो फोटो होंगे एक टेक्स्ट बुक का और एक फेयर नोटबुक में लिखा होगा उसका ओके okay, स्टूडेंट्स ये स्लाइड को आप दो तीन बार रिपीट करके देख लो और एक बात फिर से मैं बोल रहा हूँ टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट Okay, thank you.